और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जयवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान आपस में कांग्रेस पार्टी के नेता भिड़ गए। दो गुटों में जमकर झूमाझटकी हुई और गाली गलौज इस दौरान होती हुई नजर आती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने हालांकि बीच बचाव किया। सिटी सेंटर स्थित सेंट्रल पार्क होटल में ये पूरी घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपस में सिर्फ टव्वल होता हुआ नजर आता है, हाथों में लाठी डंडे हैं, ये आप देख रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर किस तरीके से हमला किया जाता है, रॉड मारते हैं, हाथों में डंडे हैं, रॉड है, और उससे एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाता है। पूर्व मंत्री के स्वागत के दौरान ये सब कुछ होता है, और पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे भी तोड़ दिए जाते हैं। वो आपसी में कोई धक्का मुक्की हो गई थी, जिससे थोड़ा विवाद और बढ़ गया था। हमें इस बात का अफसोस है, और जिनमें भी विवाद हुआ है हमने उनसे बात की है, सुलझाया है मामले को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। देखिए, हमें पता पड़ा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी जो भीड़ है उसको उत्साह को देखकर डरे हुए हैं। प्रियंका जी आ रही हैं 22 तारीख को, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, पर कुछ स्टेशन पे आप लोगों ने देखा कुछ भाजपा समर्थित लोग हमारी भीड़ में आके उत्पात कर रहे थे। इसको लेकर हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनको डांटा और हमारे कार्यकर्ताओं को भी समझाया है कि आने वाले समय में ये इस तरीके की कई घटनाएं होंगी, और इसको लेकर शायद कुछ मूवाद हुआ है, वो शायद जानकारी ले रहे हैं हम, किसमें क्या बताएंगे। ये तो भाजपा का प्रोपोगेंडा है कि हमारे आपस में ही हमको लड़ा के बीच की चाबी ढूंढना चाहती, पर इस बार होगा नहीं। कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है, और कांग्रेस पार्टी की हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे।